संग्राम भाई के महाराज जी के सानिध्य में सभी शहर की का मतलब उत्सव मनाया जा रहा था जो 3 दिवसीय चल रहा था। जहाँ यहाँ हम आए हुए हैं यहाँ का कार्यक्रम के बारे में जायजा लिया गया है। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में हम पूछेंगे उनके सेवादार से क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ ये आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया है, पूरे विश्व को न्योता दिया गया है, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। कबीर साहेब जी के 627वें प्रार्थक दिवस के पावन अवसर पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 11 आश्रमों में निःशुल्क भंडारे का तथा जन कल्याण के लिए दहेज मुक्त विवाह रक्तदान शिविर देहदान इत्यादि का आयोजन किया गया था 20, 21, 22 जून 2024 के 3 दिन के समागम में आदरणीय गणेशदास जी साहेब जी का पावन संग्रह का पाठ भी करवाया गया तथा साथ ही साथ कई प्रकार के समाज उत्थान के कार्यक्रम भी यहाँ पे संपन्न करवाए गए। कितनी संख्या में लोग उपस्थित हुए हुए हैं यहाँ? यहाँ लाखों के तादाद में श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। कहने का तो 20, 21 और 22 तारीख का समागम था ये, लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये समागम में श्रद्धालुगण 16 तारीख से आना शुरू हो गए थे, जिसमें शुद्ध देसी घी से बना हुआ पकवान भंडारा ग्रहण करवाया गया सभी लोगों। सर ये दहेज मुक्त विवाह प्रसिद्ध है विश्व में, किस हिसाब से दहेज मुक्त विवाह कितने जोड़ों का यहाँ किया गया, कितने दिवसीय कार्यक्रम और चलने का है? कल 21 जून को 151 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सकलोक आश्रम बैतूल में करवाया गया और ये कार्यक्रम आज संपन्न होने को है। पाठ आज संपूर्ण हो चुका है, 22 तारीख तक ही समागम था। लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पे शिरकत किया, भंडारा प्रसाद ग्रहण किया तथा साथ ही साथ दहेज मुक्त विवाह भी देखा। उन्होंने रक्तदान शिविर तथा देहदान शिविर का भी आयोजन हुआ था, वहां पर भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी। सभी लोग संतुष्ट होकर और जो विश्व कल्याण के लिए उद्देश्य से कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाना प्रकार के विश्व कल्याण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें दहेज मुक्त विवाह हुआ, भंडारा यहाँ किया गया है और नाना प्रकार के यहाँ पर समाज सुधार के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इस बातों को लेकर के जनता को, हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, जो सच्चा संत होता है, सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, वो इस धरा पर आकर बुराइयों को कुरीतियों को दूर करने के लिए आता है और उस बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष जन कल्याण के लिए करते हैं। जब इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पाप कर्म बुराइयां बढ़ती चली जाती है, मानवता का ह्रास होता जाता है, तो सच्चे संत का इस धरा पर आगमन होता है। तो शास्त्र अनुकूल साधना विधि बताकर पूरे विश्व के प्राणियों को एक सच्चा मार्ग दिखाए तथा उद्देश्यहीन जीवन को उद्देश्य से पूर्ण जीवन बनाए। हमारे गुरु जी का उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति फैले, विश्व बंधुत्व फैले, भाईचारा सर्व पूरे विश्व में चले और जो इस प्रकार से आपस में युद्ध चले रहे हैं वे सारे समाप्त हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों देखो, ये उनके लिए आए थे, नाना प्रकार के यहाँ विश्व कल्याण मिशन के तहत काम किया गया है। यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष पर 11 आश्रमों में 3 दिवसीय रखा गया था, जहाँ आज सर ने बताया कि ये समापन का आज कार्यक्रम है जो 3 दिवसीय चला है। पूरे विश्व को एक करता हुआ यहाँ का कार्यक्रम पूरे समाज को एक अच्छा संदेश देता है। यह कबीर साहब के प्रकट होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल हमारे भविष्य में आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं शंकर भारद्वाज, जिला बिलासपुर। वैसे तो भारत में कबीर पंथ से कई समुदाय ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वे उन्हें केवल सद्गुरु मानते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज भी कबीर पंथी हैं, लेकिन एक नई जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कबीर जयंती नहीं बल्कि कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। जानकारी के अनुसार यह कबीर साहेब जी का 627वां प्रकट दिवस है और इस उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में 3 दिवसीय महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया था। कई दिनों से आश्रम में महासमागम की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। समागम में संत गरीबदास जी महाराज द्वारा बोली गई वाणियों का संग्रह, अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से पहले ही दिन प्रारंभ हो गया। आपको बता दें, इस विशाल भंडारे की सेवा बिलासपुर संभाग को मिली हुई है, जिसमें 15 जून से ही सेवादार भंडारे व हलवाई की सेवा निभाने पहुंचे हुए थे। सबसे खास बात यह है कि यहां पर जो भी भंडारा बनाया गया है वह शुद्ध देशी घी से निर्माण किया गया था। पवित्र श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 3:10-15 में वर्णित है कि पूर्ण परमात्मा शास्त्र अनुसार किए गए धार्मिक अनुष्ठान में सदा ही प्रतिष्ठित होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कराए जा रहे भंडारे में परमात्मा विराजमान होते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताते हैं और इस पापनाशक भंडारा करने से श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति मिलती है व उनके पाप कर्मों का नाश होता है। यह भंडारे में लाखों की तादाद में श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करने पहुंचे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध घी से निर्मित हलवा प्रसाद वितरित किया जा रहा है। बीमार लोगों के लिए दलिया व मिष्ठान के रूप में लड्डू, जलेबी, बर्फी व विभिन्न प्रकार की मिठाइयां भी भंडारे में परोसी जा रही हैं। चूंकि यह कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस है, इसलिए कबीर साहेब जी के प्रकट होने की लीला व उनके द्वारा बाद में की गई लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखकर आने वाले श्रद्धालु बहुत ही आनंदित होते दिखे। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी जिन शास्त्रों को आधार बताते हुए सत्संग प्रवचन करते हैं, उन्हें भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया है ताकि लोगों की शंकाओं का समाधान किया जा सके। कबीर परमेश्वर जी के 626 वर्ष पूर्व काशी में सशरीर प्रकट होने के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों व दुनिया के अनेक देशों में 20, 21 व 22 जून को 3 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस का महासमागम आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत सतलोक आश्रम बैतूल में बीते 20 जून को हर्षोल्लास के साथ शुरू हुआ। हर बार कई लाखों की संख्या में संगत इस महासमागम में आकर अपने पुण्य कर्म बनाती है। समागम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए आश्रम में रहने से लेकर खाने पीने तक की सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त की गई हैं। इस दौरान अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग समारोह सहित कई आयोजन किए गए। समाज से दहेज नामक कुप्रथा को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कुल 151 जोड़ों की दहेज रहित शादियां संपन्न हुई। इन विवाहों में किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं की गई, न ही दहेज का लेन देन हुआ, बल्कि ये विवाह बहुत ही सभ्य व साधारण तरीके से गुरुवाणी द्वारा 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति करते हुए 17 मिनट में संपन्न हुए। समागम में रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा 456 यूनिट रक्तदान किया गया। 8,138 अनुयायियों द्वारा देहदान के संकल्प फॉर्म भरे गए। महाराज जी के ज्ञान को समझकर 2,108 नई पुण्यात्माओं ने निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सफल बनाया। जी नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज आज आपके सामने उपस्थित हूँ कबीर प्रकट उत्सव के इस महा आयोजन को लेकर के। हम आज उपस्थित हैं बैतूल स्थान, जो है मध्य प्रदेश पर स्थित, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम भव्य रूप से यहाँ मनाया जा रहा है, जहाँ हमको भी आमंत्रण किया गया था, पूरे विश्व को आमंत्रण किया गया था। इस आमंत्रण में नाना प्रकार के जो गतिविधि क्रियाकलाप यहाँ हो रही है, नाना प्रकार के समाज सुधार की बातें हो रही है, यहाँ मुहिम चलाया जा रहा है जो कबीर साहब ने कहा था, इस वजह से इसको यहाँ के लोग यथार्थ कबीर पंथ भी कहते हैं। उनके अनुयायियों से पूछते हैं क्या वो कहना चाहेंगे, क्या सेवा कर रही है, क्या ये सेवा में अपनी योगदान दे रहे हैं। तो जी नमस्कार, क्या नाम लिखते हैं बहन जी? कहाँ से आई हुई हैं आप? छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिला से। क्या सेवा आप यहाँ निभा रही हैं और क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी का, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइएगा।
संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को निमंत्रण दिए है। भंडारा प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, 627वां दिन है दिवस। और यहाँ हम लोग मतलब कहना चाहिए पूरा लोई राम की सेवा है, पूरी राम की सेवा है, तो पूरा हम भगत मती द्वारा चल रहा है, भक्तों द्वारा पैकिंग चल रही है, उनको भी आने जाने वाले को मतलब गुरु जी का आदेश है संत रामपाल जी महाराज का, खाली हाथ ना जाए उनको पूरी राम और प्रसाद जो बर्फी बनी है और लड्डू राम और जलेबी राम की। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर लाखों लोग विश्व में एक हो रहे हैं, हमने सुना है, वो किस विधि पर लाखों लोग एक हो पा रहे हैं संक्षिप्त में बताइए। सदगुरु रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार जो तत्वदर्शी संत है तो वो बताते हैं सच्ची साधना, सच्ची साधना बता रहे तो लाखों लोग का मतलब कष्ट दूर हो रहे हैं, उनको नया जीवन मिल रहा है, उनको जीने की एक नई उमंग मिल रही है, उनको जीवन में शांति सुख मिल रहे हैं, इसलिए आज हजारों लाखों अनुयायी उनसे जुड़ना चाहते हैं। नमस्ते। क्या नाम लिखती है? आरती दास जी। कितनी पढ़ी है आप, क्या पढ़ाई है? मैं डीएलएड कर चुकी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य किस विधि से समाज तक पहुंच पा रहा है, क्या समाज का सुधार आ पा रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि पूरा विश्व जो है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग सद्भक्ति करे और मोक्ष को प्राप्त करे, तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जो है सभी वेदों को सभी ग्रंथों को खोल खोल कर टीवी पर दिखाते हैं, और आज जो समाज पढ़ा लिखा शिक्षित है तो वो लोग सच्चाई को जानकर दौड़ कर हमारे गुरु जी के पास आ रहे हैं, उनके नाम भी करेगा सब जीवन सफल बना। यहाँ क्या क्या आयोजन चल रहा है? यहाँ पर आज दहेज मुक्त रामायणी हुआ है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और देहदान शिविर का आयोजन किया गया है और साथ में निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं और विशाल भंडारा चल रहा है देसी घी का और विशाल सत्संग आयोजन चल रहा है। पूरे विश्व को न्योता दिया गया है, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं है और व्यवस्था की गई है यहाँ पर पूरे विश्व को न्योता, इस पूरे विश्व को एक साथ 3 दिवसीय कैसे यहाँ संभव हो पा रहा है, किस कैसे यह कार्यक्रम यहाँ संचालित किया जा रहा है पूरे भारत पर? हमारे गुरु जी ने पूरे विश्व को आमंत्रण दिया है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बिना प्रशासन जो अनुशासन है यहाँ पर, तो ये तत्वदर्शी संत के जो वचनों में शक्ति होती है उसका प्रभाव है। हमारे गुरु जी जो है तत्वदर्शी संत है और वेदों के अनुसार वो भक्ति बताते, तो उनके वचनों में जो शक्ति है उसके हिसाब से यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था कर रही है और उनके अनुयायी अनुशासन में रहकर पूरा व्यवस्था संभालती है।